नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में पिछले दिनों पुलिस की गिरफ्त में आए इंडसइंड बैंक के मैनेजर जाबाज के कारनामे की कहानी परत दर परत खुलती जा रही है। आरोपी ने पिछले 5 माह में ही 15 खातों में फर्जी तरीके से 138 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। गुजरात, महाराष्ट्र व तेलंगाना पुलिस ने 4 खाते फ्रीज भी कराए हैं। आरोपी ने प्रदेश के कई जिलों में भी फर्जी फर्म के नाम से खुलवा रखे थे खाते। साइबर सेल की टीम आरोपी से और भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को अभी भी आरोपी से कई और राज मिलने की उम्मीद है। साइबर सेल पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले दिनों 85 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी मोहम्मद जाबाज ने पुलिस द्वारा पूछताछ में बताया कि उसने 15 फर्जी करंट अकाउंट खुलवाकर उन अकाउंटों में 138 करोड़ के ट्रांजेक्शन भी पता चले हैं। आरोपी जाबाज की जाबाजी के किस्से सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भी सुने जा रहे हैं। आरोपी ने आर्क इंटरप्राइजेस सहित तकरीबन 14 बैंक खातों में एक ही साल में 138 करोड़ रुपए का पता चला है, जो ठगों द्वारा बैंक खातों, ATM या फिर अन्य खातों में ट्रांसफ़र करवा कर निकाले गए हैं। एक अन्य मामले में आरोपी द्वारा संजय कमोडिटी में सबसे ज़्यादा 58 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन भी मिला है। पुलिस अब आरोपी मोहम्मद जाबाज के परिवार के लोगों के साथ अन्य परिजनों की संपत्ति और बैंक खातों की जाँच कर रही है। पुलिस ने आरोपी के इंदौर सहित उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के सभी संदिग्ध करंट अकाउंटों को फ्रीज करवा दिया है। पुलिस अब आरोपी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, विगत दिवस इंदौर की जो राज्य साइबर सेल की इकाई है उसमें एक फरियादी ने शिकायत की थी कि इन्वेस्टमेंट के नाम से उससे लगभग 85 लाख रुपये की ठगी हुई थी। उसी संबंध में जब अपराध दर्ज कर विवेचना की गई तो पाया गया कि ठगी की अंश राशि जो है इंदौर के ही इंडसइंड बैंक के सियागंज ब्रांच में स्थित एक अकाउंट आरके एंटरप्राइजेस के नाम से अकाउंट था, उसमें वो राशि गई है। आरके एंटरप्राइजेस का जब KYC डिटेल लिया गया तो पाया गया कि राकेश कुमार त्रिपाठी के नाम से वो खाता था। राकेश त्रिपाठी की तलाश के बाद जब राकेश त्रिपाठी को जब हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि राकेश कुमार त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर का रहने वाला है और यहाँ पर डिलीवरी बॉय और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी करता था। और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसको जिसने खाता खुलवाया है उसमें बैंक का भी एक कर्मचारी है, तो इसी आधार पर जो बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है जिसका नाम है मोहम्मद जाबाज, उसको गिरफ्तार किया गया था। और मोहम्मद जाबाज से जब पूछताछ की गई और उससे जो जब्तशुदा मोबाइल फ़ोन है उसकी जब पड़ताल की गई तो कुछ तथ्य उभर के आए कि मोहम्मद जाबाज ने लगभग 35 जो है वो करेंट अकाउंट्स खुलवाए थे। उन्हीं करंट अकाउंट्स की जब और आगे पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि उसमें से 15 अकाउंट जो हैं वो देश की विभिन्न एजेंसियों द्वारा फ्रीज़ कराए गए हैं, यानी उनमें कुछ ठगी की राशि आई है इसलिए उनको फ्रीज़ कराया गया है। उन्हीं 15 अकाउंट्स की जब पड़ताल की गई तो 14 खाते जो हैं वो इंडसइंड बैंक सियागंज ब्रांच के हैं और एक खाता जो है वो एयरपोर्ट रोड साउथ तुकोगंज ब्रांच का है, इंडसइंड बैंक का ही। उन खातों में जो 9वें या 10वें महीने 2023 से लेकर जनवरी फरवरी 2024 तक खुलवाए गए थे, कुछ खाते 2-3 महीने चले, कुछ खाते 4 महीने चले, उन खातों में कुल जो रकम आई जब उसका हिसाब बैंक द्वारा हमको दिया गया तो बैंक की जानकारी के अनुसार उसमें लगभग 138 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है उन खातों में हुआ है, जिनपे कि राज्य की एजेंसियों द्वारा, पुलिस एजेंसियों द्वारा फ्रीज लगाया गया है। और वो जो संदेहास्पद राशि है वो विभिन्न राज्यों के अलग अलग अपराधों, अलग अलग शिकायतों से संबंधित है। इसी तरह से एक और जानकारी प्राप्त हुई थी साइबर सेल को कि पिपलियाना स्थित ही जो यूको बैंक है उसकी शाखा में जो है कुछ संदेहास्पद खाते हैं। हमारी टीम जब वहां पहुंची और उन खातों की पड़ताल की तो पाया कि वो 4 खाते हैं और उन 4 खातों में भी लगभग इसी तरह का ट्रेंड पाया गया और उसमें 30 करोड़ रुपये की जो राशि है, जो ठगी की राशि है, क्योंकि उन खातों को भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा फ्रीज कराया गया है, वो आई है। उसमें एक बात और सामने निकल के आई उन खातों में यूको बैंक वाले कि उसमें एजेंसी जो है नेशनल एजेंसी NPCI है, उन्होंने बैंक को लिखा है कि इन खातों में जो राशि आ रही है उसमें से काफ़ी राशि जो है ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग की है और उसमें जो विदेशों से पैसा आने में जो प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से ये 2 आरोपी मोहम्मद जाबाज और राकेश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद जाबाज जो खुद एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था, उससे ये पता चला कि उसने करंट अकाउंट खुलवाए, उन करंट अकाउंट में काफ़ी मात्रा में राशि जो आई है। अभी इस मामले में और भी बैंक कर्मियों के लिप्त होने की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हमारी विवेचना आगे बढ़ रही है।
सर ये जो डिलीवरी बॉय है इसको खाते खोलने का, तो चूंकि इसका एक सेविंग अकाउंट खोला गया और फिर एक करंट अकाउंट खोला गया, तो इसको जो है लालच दिया गया था, इससे जो पूछताछ हुई उसमें ये लालच दिया गया था, 1 लाख रुपए का इसको लालच था कि 1 लाख रुपए इसको मिलेंगे, चूंकि वो इधर उधर नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा था, तो वो उस लालच में आया और उसने एक दुकान का किरायानामा बनाया गया, सुखलिया स्थित एक दुकान थी, उसका किरायानामा बनाया गया, उस दुकान पे बोर्ड लगा के और इसको राकेश को आगे खड़ा करके फ़ोटो भी खिंचवाया गया और उसमें खुद ये मोहम्मद जावाज जो है उसने उस आरके एंटरप्राइजेज के खाते पे खुद साइन किए फरियादी के तौर पे, मतलब राकेश त्रिपाठी बन के मोहम्मद जावाज ने साइन किए, ये बात मोहम्मद जावाज ने स्वीकारी है, उस संबंध में भी विवेचना की जाए। ये अकाउंट्स जो है सर इसका उपयोग क्या था, क्या इसको खरीदा जाता था, इन अकाउंट्स को बेचा जाता था, क्या? देखिए जो प्रारंभिक हमारी पूछताछ हुई है उसमें ये जानकारी सामने आई है कि टेलीग्राम जो चैनल है उस पर ऐसे ठग हैं जो यूज़र नेम पासवर्ड, करंट अकाउंट्स के यूज़र नेम पासवर्ड मोटी रकम देके खरीदते हैं। इसी गिरोह के कुछ सदस्य जो भी हमारी पकड़ से बाहर हैं उनको फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा था, तब उन्होंने वहां स्वीकारा था कि उन्होंने लगभग 12 लाख रुपए में एक और खाता है जो इसी ब्रांच में इंडसइंड की खुलवाया गया था, गढ़वाल एंटरप्राइजेस, वो खाता उन्होंने 12 लाख रुपए में वो टेलीग्राम पे यूज़र नेम पासवर्ड उसका बेचा था और उसके पैसे का बंटवारा हुआ था। उसमें ये बात भी आई थी, हालांकि उसकी हमें पुष्टि करनी है, कि वो जो खाता बेचा गया था वो दुबई में बैठे ठगों को बेचा गया था। विवेचना हमारी जारी है इस संबंध में। तो जावाज के अलावा निजी बैंकों के, शासकीय बैंकों के दूसरे कर्मचारी कौन हो सकते हैं? देखिए वो विवेचना में आए हैं, कई तथ्य आए हैं, उनकी पुष्टि की जा रही है, उनको नोटिसेज भी दिए जा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी भी अगर लिप्तता पाई जाएगी तो गिरफ्तारी होगी। सर कुल राशि अभी तक इसमें कितनी सामने आ चुकी है? देखिए जहाँ तक हमारा जो केस है, हमारे पास एक 85 लाख का ठगी का केस था जिसकी एक अंश राशि गई थी आरके एंटरप्राइजेस में, लेकिन जो गढ़वाल एंटरप्राइजेज वाला खाता था उसमें हमारी 45 लाख की एक और ठगी का मामला है जो हमारे पास ही दर्ज है, उसमें से 7 लाख रुपए जो है गढ़वाल एंटरप्राइजेज में गए थे। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि जो इंदौर में भी खाते करेंट अकाउंट खुलवाए गए, जिसमें जैसा कि आपको मैंने बताया कि कुछ बैंक मैनेजर्स की कतिपय संलिप्तता भी आई है, उसमें काफ़ी मात्रा में जो है ठगी की राशि आ रही है। कुल कितने खाते अभी तक ऐसे खोलने की बात सामने आई? देखिए अभी तो हमने जो आपको बताया कि जो 35 खाते मोहम्मद जावाज ने खुलवाए, उसके अतिरिक्त जो है 4 यूको बैंक के संदिग्ध खाते हैं, ये तो स्पष्टतः सामने आए हैं, लेकिन हमारे पास जो अन्य भी प्रकरण हैं उसमें जैसे जैसे कड़ियाँ जुड़ेंगी आगे बताएंगे। जावाज की उम्र क्या है? जावाज की उम्र लगभग 35 वर्ष। इसका तो बैकग्राउंड है सर मोहम्मद जावाज का पुराना? जी अभी हमको जो जानकारी नहीं, ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी नहीं मिला है, हम और पड़ताल कर रहे हैं। मूलतः महितपुर का रहने वाला है वो और यहाँ नयापुरा में उसका घर था। सर 138 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, ये ब्रीच कर दिए गए, इससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ था या इतने का ट्रांजेक्शन हुआ? देखिए ये जो खाते थे, इस तरह के जो करंट अकाउंट्स होते हैं जो साइबर ठगी में उपयोग होते हैं, उनका जो जीवन होता है, उन करंट अकाउंट्स का जो जीवन होता है वो 2 से 3 माह का होता है, क्योंकि उसमें तेजी से पैसा आता है ठगी का, फिर कोई ना कोई एजेंसी जो विवेचना कर रही होती है वो उस पर फ्रीज लगवा देती है। तो इन अकाउंट्स में जो 15 अकाउंट्स हैं इनमें 138 करोड़ रुपए ही आए थे जो कि फ्रीज कराए गए, लेकिन वो पैसे ठगों ने एक तरीका निकाला। इस केस में हमको एक जानकारी और मिली कि करंट अकाउंट्स में ऐसी सुविधा दी जाती है कि जिसमें बल्क अपलोड होता है। बल्क अपलोड से मतलब है, मान लीजिए 1 करोड़ की राशि किसी करंट अकाउंट में आई, उस बल्क अपलोड में अगर मैं 100 खाते डाल के अपलोड कर दूं तो मैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली उस 1 करोड़ को 100 अन्य खातों में टुकड़ों टुकड़ों में भेज सकता हूं सेकंड्स में। तो इस तरीके से ठग जो है, इससे पहले कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उन खातों तक पहुंचती है, तेजी से उन खातों से पैसा विड्रॉल करने का प्रयास करते हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि जल्दी से जल्दी उन खातों को फ्रीज करा के फरियादी का पैसा बचाया जाए। सर एक बात, जो आरके एंटरप्राइजेस का खाता फर्जी जो पकड़ा गया इंदौर से, उसमें कितने के ट्रांजेक्शन? देखिए आरके एंटरप्राइजेस का जो खाता है उसमें हमको पूर्व में 6 करोड़ का ट्रांजेक्शन मिला था, फिर हमने उसका विस्तृत जब जाँच किए तो अभी तक उसमें 12 करोड़ का ट्रांजेक्शन पाया गया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।